जय हिंद। नमस्कार साथियों, एसएसबी ट्रेड्समैन की जो एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाकर आपको बताया था कि एक भर्ती है जो कि एसएसबी ट्रेड्समैन की नई आई हुई है, जो कि 543 पोस्टों पर है। ठीक है, इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा? क्या आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपको अदर कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि भर्ती आने के बाद काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्या हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो बनवाएंगे तो कहाँ से बनवाएंगे और किसका बनवाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप सभी। यहाँ पर जो पोस्टें निकल के आई हुई है, काफ़ी सारे पोस्टें आई हुई है। कारपेंटर है, ब्लैकमेस्ट है, ड्राइवर है, टेलर है, गार्डनर है, कॉबलर है, वेटनरी है। वेटनरी मतलब होता है एनिमल के डॉक्टर होते हैं ना, उसका नाम है वेटनरी। ठीक है, वही बात करें वाशरमैन में मेल की भी आई हुई है। और वहाँ की बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पे बार्बर में केवल मेल का आया हुआ है, सफाई वाला में मेल का आया हुआ है खाली, और कुक का यहाँ पे मेल फीमेल दोनों आया हुआ है। और यहाँ पर बात करें वाटर कैरियर का भी वैकेंसी निकल के आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं साफ साफ शब्दों में कि यहाँ पे एसएसबी ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले इसमें आप सभी का क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे साफ साफ बातें बता दी गई है कि यहाँ पे अगर आप सभी ड्राइवर में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम बोला गया है, लेकिन आप सभी का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आप सभी का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आप सभी का ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल आपका साथ में ही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन को लेकर, देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और यहाँ पर देखिए एसएसबी टेस्ट में रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन अपडेट्स, मतलब फुल नोटिफिकेशन जो है वो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन शॉर्ट जो है वो जारी हो चुका है। शॉर्ट्स में आखिर क्या कुछ बताया गया है ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। देखिए यहां पे मैं क्लिक करता हूं शॉर्ट वाले ऑप्शन पर, और जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आप सभी के सामने यहां पर एक नोटिफिकेशन जो है, जो कि ऑफिशियली तौर पे है, मैं ये डाउन लिए देखिए आपके सामने आ जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए काफी सारे मल्टीपल पोस्ट यहां पे निकल के आई हुई है। ठीक है, और यहां पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब यहां बोला गया है कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है, और यहां पर काफी सारे पोस्ट हैं। मैं आपको फिर से बता देना हूं, यहां पे फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर। ठीक है, ये है। और सेकंड पे बात करें तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, और यहाँ पे एक नई पोस्ट है जो कि निकल के आई हुई है और पेंटर की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के और भूटान के दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया साफ साफ। अब चलते हैं नीचे, और यहीं से आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कराता हूँ किसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे जरूरत है, क्या 10वीं पास बच्चे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया कॉन्स्टेबल, ड्राइवर ओनली फॉर मेल, मतलब केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर के लिए। और ड्राइवर की जो यहाँ पे एज रखी गई है वो रखी गई है 21 से लेकर 27 साल, मतलब अगर आपकी एज यहाँ पे 21 साल से 27 साल के बीच में है तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है कि आपके पास यहाँ पे 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10वीं पास है तो आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, विथ साथ में आप सभी का लगने वाला है मस्ट प्रोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ट्रक वगैरह का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब आप सभी इस भर्ती के लिए आप अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं, आपका व्हीकल ड्राइविंग, हैवी व्हीकल ड्राइविंग यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और देखिए सेकंड पे यहाँ पे बोला गया है कॉन्स्टेबल वेटनरी, अगर आप सभी कॉन्स्टेबल वेटनरी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 18 से लेकर 25 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 10th मतलब 10वीं पास होना जरूरी है, और 10वीं में आप सभी का साइंस सब्जेक्ट के साथ 10वीं पास होना जरूरी है, मतलब 10वीं आप सभी पढ़े हैं तो आपका उसमें 10 साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य होना चाहिए। और यहाँ पे डिजायरेबल भी मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट, यहाँ बोला गया है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड, मतलब एनिमल हॉस्पिटल में आप सभी 1 साल काम किए हो, इसका आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप सभी को मेरी बात ध्यान सुनना है। ठीक है, पिछली बार जो 2020 में निकल के आई हुई थी वैकेंसी 1522 पोस्टों पर ट्रेड्समैन की, उसमें साफ साफ यह बताया गया था कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऐसा लिख के आया था फुल नोटिफिकेशन में, लेकिन बाद में जब यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो गया था उसके बाद वहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया जिसमें साफ साफ बताया गया कि जो बच्चे यहाँ पे कांस्टेबल वेटनरी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बदल दिया गया है। अगर आप 10वीं पास हैं और 10वीं में आप सभी ने साइंस सब्जेक्ट के साथ 10वीं पास किया है तो आप सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल जो था वो हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब की बार 2023 में जो भर्ती है इसमें फिर से यहाँ पे डिजायरेबल मांग लिया गया है 1 साल का एक्सपीरियंस, हो सकता है आगे चल के इसको भी यहाँ पे हटा सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है,
चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। और भी यहाँ पे अगर आप सभी अप्लाई करना चाहते हैं, कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकलिस्ट एंड यहाँ बोला गया है पेंटर, अगर आप सभी इन तीन ट्रेडों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज जो है 18 से लेकर 25 साल होनी चाहिए। और साथ ही में बोला गया है कि 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है, यह साफ साफ बता दिया गया है। और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, या फिर आप सभी के पास, अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का नहीं है तो आप सभी के पास यहाँ पर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ बोला गया है आपके पास ITI यहाँ पे होना चाहिए 1 साल का। और अगर वो भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपका है होना चाहिए। और साथ में ये सब होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। चलिए मान लेते हैं आप सभी इन ट्रेडों के लिए आपके पास है तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जो ट्रेड है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप सभी मेरी बात को, यहाँ पे अगला ट्रेड है वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर। अगर आप सभी इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी का 18 से लेकर 23 साल आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए और 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है, यहाँ बोल दिया गया है 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक। हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं SSB कांस्टेबल, ड्राइवर एंड ट्रेड्समैन की, तो आप सबके लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह बुक यहां पर आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2450 प्लस बहुवैकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं और 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें दिया जाएगा और 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। आप सभी किसी भी ट्रेड में अप्लाई किया था, चाहे ड्राइवर, वेटनरी, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, किसी में भी अगर आपने अप्लाई किया है तो आप सबके लिए यह बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप सभी इस बुक से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आप सभी इस बुक को ऑफलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हो तो आपके मार्केट में भी यह बुक आपको मिल जाएगी। अब यहां पर बात यह आती है कि देखिए 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन, मतलब कि आपने अगर आप इन सभी ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी का 2 साल का इस ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसी भी ट्रेड में आप सभी अप्लाई करना चाहते हैं, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर, इन सभी ट्रेडों में से आप सभी किसी भी ट्रेड में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास उस ट्रेड का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही में आपके पास उस ट्रेड का आपके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, मतलब क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा आप ट्रेड टेस्ट, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं आपका उसका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 1 साल का ITI होना चाहिए, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सबके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आपके पास ये होना ही चाहिए, मतलब इन तीनों में से आपके पास एक चीज यहां पे होना अनिवार्य है, तभी आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद भी आप सभी के यहां पे ट्रेड टेस्ट होगा, यह बोल दिया गया है। अब आप सभी यहां पर बार बार सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कुक, कॉबलर, वाटर कैरियर, वाशरमैन, आप सभी एक काम करिए कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप सभी बनवा लीजिए, आप सबके बहुत ही काम आने वाला है। इस भर्ती के लिए नहीं है, काफी सारी भर्ती आएगी आगे चल के, और देखिए यहां पर काफ़ी सारी भर्ती यहाँ पे निकल के आई भी हुई थी, आप सभी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो इसलिए आप सभी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, चाहे बार्बर का बनवा लीजिए, चाहे सफाई वाला का बनवा लीजिए, या कुक का ही क्यों ना बनवा लीजिए, मतलब इन सभी चाहे वाशरमैन का बनवा लीजिए, इन सभी में से आप सभी अपना जल्दी से यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जब तक इसका फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता उससे पहले आप सभी, जैसे मान लो अभी आप सबका जो भी आज डेट है, इस डेट से 2 साल पहले का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब उसमें ये लिखा गया हो कि आप अभी तक, मतलब आज की जो डेट है, अब तक आपका पीछे का जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का अब तक हो चुका है, मतलब आज की डेट मिलाकर आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, ये आपका कागज में प्रमाण पत्र सहित होना चाहिए, ठीक है। आप सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। अगर आप सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आप सभी आसानी से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 18 से लेकर 23 साल तक के बच्चे अप्लाई करेंगे, तो पिछली बार जो BSF की भर्ती आई हुई थी उसमें भी बोला गया था कि जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही बच्चा आवेदन कर सकता है, और काफ़ी भाई इसमें बनवा भी लिए थे, तो आप भी SSB के लिए बनवा लीजिए, आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आप सभी के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है उसके 30 दिन तक आप सभी का ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, और यहाँ पे मई के लास्ट वीक में आप सभी का नोटिफिकेशन जारी होगा, आज है 19 तारीख, ठीक है, मई के लास्ट वीक में आप सभी का नोटिफिकेशन जारी होकर ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये अभी आपके सामने यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन दिख रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड, यहाँ पे बोला गया है कि आप सभी का फॉर्म एक्सेप्ट, ये देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये आप सभी का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, और साथ साथ बोला गया है यहाँ पे कि एडवर्टाइजमेंट कांस्टेबल नॉन GD, मतलब GD की भर्ती नहीं है, ये आपकी भर्ती जो है वो ट्रेडमैन की है। और यहाँ पे बोला गया है एंड मई अप्लाई ऑनलाइन, मतलब कि मई में आप सभी का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, मतलब इसी मंथ आपका अप्लाई स्टार्ट होने वाला है लास्ट वीक में, ठीक है। तो आपके लिए इसमें से कौन सी पोस्ट बेस्ट रहने वाली है कमेंट करके जरूर बताना,
ठीक है, अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, लेकिन इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। तो आप सब इन पोस्टों में से किस पोस्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जिसका सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज भी है थोड़ा बहुत, तो आप सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फॉर्म को आवेदन कर दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी अगर कोई भर्ती आती है तो इसी तरीके से अपडेट आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो मिलता है सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।